जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हुए रिहा। रिहाई के बाद दिल्ली से सिरसा जाते समय अजय सिंह चौटाला का हुआ स्वागत। भिवानी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर मुंडाल गांव में किया स्वागत। रिहाई के बाद बेहद खुश नजर आए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला। कहा, कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 2024 में लड़ेंगे चुनाव। दूसरी तरफ भिवानी के देवीलाल सदन में जजपाइयों ने काफी भारी संख्या में खुशी जताई। कहा, अब अजय सिंह के सानिध्य में पार्टी को चार चांद लगेंगे। दूसरी तरफ लड्डू बांटकर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि दूसरी पार्टियों के द्वारा ये जो षड्यंत्र रचा गया, मुंह तोड़ जवाब जनता देगी। स्वाभाविक है, मेरे को भी, कार्यकर्ताओं को भी, सबको खुशी है इस बात की। बिना मतलब का जो कष्ट काटा है उससे अब चिंता मुक्त हो गए। सर, सबको लगता है कि अजय सिंह आप इलेक्शन लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे 2024 में, किस प्रकार से? वो अभी कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा, पर चुनाव तो लड़ेंगे, उसके बाद लड़ लेंगे कोई ऐसी समय। जो भी जेजेपी नेता कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत आपको अंदर किया जाता, तो क्या मानते किसका षड्यंत्र रहा है, उसका क्या बदला लिया जाए? जिसने कोई बदला नहीं, मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काट आए, पर परमात्मा वहाँ किसी को ही ना भेजे। आज हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे प्रिय नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कल 9 साल के बाद रिहाई हुई है। उसी खुशी में आज कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के लाडू बांटे हैं और सारे कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के बहुत जोश है कि अब मैं निरंतर अजय सिंह चौटाला जी का नेतृत्व मिलेगा, उनका सानिध्य मिलेगा, इससे पार्टी और ऊंचाइयां छुएगी। और आने वाले समय में, क्योंकि कल ही डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट थी कि परमिशन लेके चुनाव लड़ेंगे, तो आने वाले समय में प्रदेश का नेतृत्व भी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी करें। जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से नौकरियों को लेकर उनकी सजा हुई थी, तो भविष्य में किस प्रकार की रणनीति राजनीति रहेगी? जिस प्रकार डॉक्टर साहब के साथ और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ उस समय जो षड्यंत्र रच करके सजा करवाई थी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के खिलाफ कोई भी सबूत उस भर्ती में षड्यंत्रकारियों को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने भिवानी जिले में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ लगाई। कल ही डॉक्टर साहब ने अपने इंटरव्यू में संकल्प लिया है कि आगे भी हम इसी तरह बेरोजगार लोगों को, जरूरतमंद लोगों को नौकरियां देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी सजा क्यों ना भुगतनी पड़े। षड्यंत्र किसका रहा होगा? ये तो सर्वविदित है कि कांग्रेस का षड्यंत्र था और वो पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन जितने षड्यंत्र हुए उसके अलावा अजय सिंह चौटाला जनता में एक बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए।